हमारे शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। खाना जादगान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज 14 ज़िलहिज्जा को मरहूम नवाब मीर उस्मान अली खान 7th निज़ाम की 55वीं बरसी मनाई गई। किंग कोठी मस्जिद जूदी में नवाब मीर उस्मान अली खान की मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए खिराज पेश किया गया और उनकी मगफिरत के लिए दुआ की गई। इस मौके पर खाना जादगान वेलफेयर एसोसिएशन के सदर नवाब हैदर अली और दीगर मौजूद थे। मेरे वालिद यूसुफ 1968 में फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी यानी पहली बरसी निज़ाम की यूसुफ अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद मरहूम मुनक़द किए थे। वो उनके साथ वलीयत बहादुर निज़ाम के वलीयत प्रिंस ऑफ बेरार आज़म जा बहादुर जो कमांडिंग चीफ थे आर्मी के और शहजादी पाशा अहमद रिसा बेगम निज़ाम की डॉटर और उनकी एक बेगम खादर निसा बेगम मालिक नहीं कहते हैं वो लोग भी शिरकत करे थे, साथ थे। वो पहली बरसी ऑनर प्रेसिडेंट थे खानाजादों के मेरे वालिद, तो पहली बरसी निज़ाम की मेरे वालिद करे थे। जब से सिलसिला जारी है अब हम लोग जो है अभी तो हमेशा हम ही करते बरसी। और एक जो उमर मजहबी औकाफ कमेटी का जो आता है वो निज़ाम अपना फ़ंड रखे थे खुद के फातिया के लिए, उसका भी ट्रस्ट रखे गए बेचारे मरहूम अल्लाह मगफिरत करे उनको, तो वो औकाफ कमेटी वाले वो निज़ाम के पैसों से फातिया खानी करते। शहर हैदराबाद के किंग कोठी में वाक़ मस्जिद जूदी में डोनेशन की वसूली के मुतालिक लगाए गए बोर्ड पर बरहमी का इजहार करते हुए दिलशाद जाह ने कहा कि किसी को भी मस्जिद के लिए चंदा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए इस ज़िमन में लगाए गए बोर्ड को निकलवाया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और GPA होल्डर वालाशान प्रिंस मोजम जाए के लीगल हेयर्स के लिए हूँ और ग्रैंडसन हूँ मीर उस्मान अली खान, जिसका अभी अपन जो ठहरे आज जिसकी बरसी हुई। मैं एक वो शौक हो गया जाके मेरे को, मैं 6 महीने से आउट ऑफ स्टेशन था, महाराष्ट्र में था, ये अंदर बोड़ा लगे बाहर बोड़ा लगे चंदे बोल के चंदा दो बोल के, अरे कितनी शर्म की बात है। ये जो औकाफ कमेटी का बोर्ड बैठा हुआ है, ना इनको शर्म है ना हया है, यानी वर्ल्ड के एक रिचेस्ट आदमी को चंदे पे लाके खड़ा कर दिए बदमाशा, समझे ना। और जो मेंटेनेंस हम है जिंदा, हम है, हम करते हुए भी जो है सो और जो है सो समेटने की कोशिश है। मुकरमजा स्कूलों में मुकरमजा के स्कूल में डोनेशन चल रही और जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टीज है वहाँ किकबैक्स चल रही, पूरी इत्तला है मेरे को, क्योंकि मुकरमजा स्कूल जो है ओल्ड सिटी में है, मेरा पूरा ससुराल रहता है, वहाँ की भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे को। तो ये लोग को नहीं हटाएंगे तो हम बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। और मैं जैसा 90s में करा था इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक, मैं उस पर जाऊँगा और कोर्ट में केसेस है, इसमें क्या हो जाएगा। मेरे को मजबूरन जो मेरे भाई है प्रिंस मुकरमजा बहादुर, उनके ऊपर मेरे को केसेस फाइल करना पड़ेगा, जिसमें मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि 2003 में हमारा एक सेटलमेंट हुआ था, जब से जो है सो हम और उन्हों बहुत अच्छे रिलेशन में। लेकिन आज ये दो मेंबर्स फैज़ खान और फैज़ जंग आके इतने डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे में। आपको मालूम नहीं औरंगाबाद में लोग बहुत बड़ी लैंड माफिया गैंग को जो है सो पीछे से जो है सो हर एक चीज़ सपोर्ट कर रही, और इनकी पोल ज्यादा छुपने वाली नहीं है, मैं खोलने वाला हूँ। पुराने शहर चारमीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर ना करें और जल्द ही तशरीफ लाएं अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कॉन्टैक्ट करें 8686171786, इसके अलावा 8686121786 पर।